सर जो मेरे से पहले बात कर रहे थे, मुझे बीच में लगा कि वो ये बोलने वाले कि मैं लखनऊ इसलिए बुलाया था कि पिटाई कर पाए लाइक का टिकट वगैरह देके इधर बुला के पिटाई कर दे. सो इज इट ओके लाउडर या इज इट ओके नाउ ओके आई हैव टू लर्न द ट्रेड. सो कमिंग ये कहाँ से शुरू करना है, अगर शुरू करें तो नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म. मैं इसको कोई थियोरेटिकल डिबेट पे मैं नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज वो टाइम चला गया कि जब हम बुक में पढ़ते थे वो नेशनलिज्म क्या होता है, पैट्रियोटिज्म क्या होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पैट्रियोटिज्म इज दिस, नेशनलिज्म इज वेयर यू कीप योर ओन कंट्री अबव द अदर कंट्री. तो इस तरीके की चीजें हैं थियोरेटिकल, यू कैन गो ऑन रीड, जहाँ पे आपको पढ़ना है पढ़ने को मिलेगा. मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि देशद्रोही कौन है, देशप्रेमी कौन है. ये मायने नहीं रखता आज के जमाने में देशद्रोही कौन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ज्यादा. तो मैं कहीं जगह जाके पूछता हूँ इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने का, कोई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप होगा फैमिली का फ्रेंड्स का, छोड़ने का या फिर इस ग्रुप में रहने का फायदा नहीं है, ऐसे कितने लोगों ने सोचा होगा और छोड़े कितने लोग हैं. आप देशद्रोही हैं जिन्होंने छोड़ा, क्योंकि वो क्यों छोड़ा मुझे पता है. अगर इस टॉप में आए हो और उस ग्रुप आपने छोड़ा है क्योंकि एक तरीके का आपको लग रहा था कि फेक नैरेटिव्स आ रहा है या फिर कुछ मैसेजेस आ रहा है और उस ग्रुप में आपको कुछ उल्टा बोल के फायदा ही नहीं है, आपको लग रहा है उस ग्रुप में कुछ लिख के फायदा नहीं है और आप कुछ लिखेंगे तो शायद रिश्ते जो है आपके खराब हो जाएंगे क्योंकि आपके मामा आपके चाचा या फिर कोई तो लिख रहा है उसमें जो फॉरवर्ड किया जा रहा है सुबह डेली 5 गुड मॉर्निंग के साथ एक नैरेटिव